Hello everyone, welcome back to another session of your Sankalp Mentorship Program. Today we would be dealing with your two subjects, the open book, the multidisciplinary case studies, and the other is insolvency bankruptcy code. Okay, one by one we'll see both of them. Dekho, sabse pehle hum start karte hain hamare MDCS. Okay. We will see these in two parts. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बिफोर द एग्जाम्स व्हाट आर द प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज एंड अनदर वी विल सी ड्यूरिंग द एग्जाम्स व्हाट ऑल थिंग्स आर टू बी केप्ट इन माइंड. देखो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अभी जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारी क्या स्टडी स्ट्रेटजी होनी चाहिए फॉर योर 60 मार्क्स एंड 40 मार्क्स टूगेदर. दोनों को हम अलग अलग देखेंगे. कमिंग टू योर 60 मार्क्स फर्स्ट, द टू क्वेश्चंस इज कि अभी हम MDCS को कैसे पढ़े और एग्जाम तक के हम इसे कैसे रिवाइज करें. यही तो दो इम्पोर्टेंट चीज है ना. तो लेट्स सी. सबसे पहले अगर आप अपने MCS को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं आपके लेक्चर्स के बाद, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे. हाँ, अगर आपने ये पढ़ लिया है, एक बार हो गया, इंडेक्स वगैरह प्रिपेयर है, सो वेल एंड गुड, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू दिस. देखते हैं, देखो हाउ टू स्टडी फॉर द फर्स्ट टाइम. आपको क्या करना है ना, हर एक केस लॉ को, जो डिसाइडेड केस लॉज है हमारे हर चैप्टर में, आपको ना उसको एक स्टोरी फॉर्म में पढ़ना. यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू लर्न, यू आर जस्ट रिक्वायर्ड टू रिमेंबर द फैक्ट्स एंड द डिसीजंस. ऐसा नहीं है ओपन बुक है तो हमें कुछ याद नहीं रखना है, दिस इज अ मिथ. तो फैक्ट कंक्लूजन्स पे कमांड होना चाहिए. सो यू हैव टू डू दीज टू थिंग्स एज डिस्कस्ड. अब ऐसा क्यों, हमें फैक्ट्स को क्यों याद रखना है. देखो कैसा होता है ना, एग्जाम के अंदर अगर कोई केस स्टडी आती है तो इट इज नथिंग बट सेम एज व्हाट यू हैव ऑलरेडी सीन, ऑलरेडी स्टडीड. I'm sorry, the case law. बस फर्क क्या होता है ना, it is the they change the name, facts, the place, the numbers, etc. बाकी वो similar lines पर होता है. Keeping in mind the past question papers, except one or two जहाँ पर थोड़े से out of the box questions आए थे. Okay? तो अगर हमने facts को अच्छी से कर लिया, so then जब exam में अगर question आएगा, so you will be in a position to relate of what you have already studied. इसलिए फैक्ट्स पता होना चाहिए, ठीक है, यू डोंट हैव टू लर्न एनीथिंग. अच्छा, अब यहाँ पर आप जब पढ़ेंगे तो आपको साथ ही साथ आपका इंडेक्स प्रिपेयर करना है. इफ यू हैव डन वेल एंड गुड, इफ यू हैव इट यू कैन डू इट नाउ ऑल्सो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी आप कर सकते हो, ठीक है. अलॉन्ग विद डैट यू हैव टू मेक सम कीवर्ड्स इन योर इंडेक्स. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय कीवर्ड्स एंड व्हाई. सबसे पहले समझ लो आपका आधा गेम ना यहीं पर है. अगर आपने ये अच्छे से कर लिया, यू विल बी इन अ पोजिशन टू सर्च फॉर ईच एंड एवरी केस लॉ इन द पेपर. और सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर है कीवर्ड्स, जो स्टूडेंट्स कभी नहीं करते ये चीज. तो ये हम कैसे कर सकते हैं, देखो कीवर्ड्स आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, कहाँ लिखना है आपको, किस बेसिस पर आपको कीवर्ड्स बनाना है, हम ये डिस्कस करते हैं. और एग्जाम में ये आपको कैसे हेल्प करेगा, हम ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर कर देखेंगे फ्रॉम ए पास्ट पेपर इटसेल्फ एट द राइट टाइम. पहले ये समझते हैं कीवर्ड्स कैसे बनाना है. सी, आई हैव एन इंडेक्स, ओके, दिस इज माई इंडेक्स विच आई हैड प्रिपेयर्ड फॉर माई सेल्फ चैप्टर वाइज. ओके, तो आपका जो भी इंडेक्स है डोंट वरी, यू कैन फॉलो द सेम, बट उसमें सिर्फ एक कॉलम आपको ऐड करना पड़ेगा खुद के लिए, दैट इज योर कीवर्ड्स. ओके, ये वाला कॉलम है कीवर्ड्स. अब मैंने क्या किया है ना कि हर एक केस लॉ के अंदर एक ऐसा रेलेवेंट पॉइंट होता है जिसके बिना वो क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, वो केस एग्जिस्ट ही नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल, किसी केस में ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट रहेगा, किसी के अंदर स्ट्राइकिंग ऑफ के बारे में, समवेयर यू विल फाइंड द मेन इशू इज रिलेटेड टू मर्जर्स, एमलगमेशंस, योर ज्यूरिसडिक्शन, डायरेक्टर्स डिस्क्वालिफिकेशंस. मतलब आप जब केस पढ़ोगे तो आपको पढ़ के समझ आएगा कि एग्जाम में
इसमें से ऐसा कुछ पूछेंगे जिसके बिना वो केस बन ही नहीं सकता, मतलब वही उसका एक रेलेवेंट फैक्टर है, जिसे हम बोलते हैं फैक्ट इन इशू। व्हाट इज द मेन क्वेश्चन इन्वॉल्व इन योर केस, आपको उसी क्वेश्चन इन्वॉल्व से एक कीवर्ड बनाना है टू एक्सप्लेन यू मोर। ये देखो जैसे कि यहाँ पर डायरेक्टर्स अली बाबा वर्सेस नबी बाजा, अली बाबा नबी बाजा केस था एक, आपको अगर याद होगा तो डायरेक्टर्स रेजिग्नेशन था, चेक डिसऑनर हुए थे, ही रिजाइन एंड देन पहले ही वो रिजाइन कर चुके थे और चेक डिसऑनर्स उनके रेजिग्नेशन के पहले के थे, तो उसके लिए मैंने कीवर्ड बनाया था डायरेक्टर्स एंड द रेजिग्नेशन। अब अगर एग्जाम में कोई इससे रिलेटेड अगर सेम लाइंस पर, सिमिलर लाइंस पर एक केस बनेगा, तो वो हमें क्या क्वेश्चन पूछेंगे, वेदर द डायरेक्टर्स आर डिस्क्वालिफाइड और नॉट, रेजिग्नेशन वैलिड था क्या, चेक डिसऑनर्स हुए थे तो वो उसके लिए लायबल थे या नहीं। आई थिंक आई एम एबल टू कम्युनिकेट टू यू, यू हैव टू मेक अ कीवर्ड विच इज वेरी रेलेवेंट एंड विदाउट विच दैट केस वुड नॉट हैव बीन इन एग्जिस्टेंस। और एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो उसी पे पूछेगा। अगर आपको बनाना है तो आप फैक्ट इन इशू, क्वेश्चन इन्वॉल्व जो होता है ना, उसको लेकर के भी ये बना सकते हो। ठीक है, अच्छा ये हमें कैसे यूज करना है, एग्जाम में कैसे हेल्प करेगा, हम ये देखेंगे आगे। सी लाइकवाइज आई हैव प्रिपेयर्ड फैक्ट एंड इशू फॉर इच। याद है क्या एक टाइपोग्राफिकल एरर था कि सेक्शन 66 रिडक्शन इन शेयर कैपिटल्स के बारे में, कि वर्ड उन्होंने सॉरी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना था, उन्होंने ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लिख दिया था, टाइपोग्राफिकल एरर था, तो यहाँ पर मैंने टाइपोग्राफिकल एरर ये वर्ड लिख दिया। अच्छा यहाँ पर जो लिखा था, दिस वॉज अ इन ब्रीफ, इस कीवर्ड का छोटा सा एक ब्रीफ लिखा था मैंने, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, ये मैंने मेरे लिए लिखा था। ओके एंड लाइकवाइज फॉर दिस चैप्टर। अब देखो ये आपको करना है खुद के लिए, ठीक है, वी विल सी द रेलेवेंस अहेड। कमिंग फर्दर, समझो हमने चैप्टर उठाया, फैक्ट्स पढ़ लिए, कंक्लूजन पढ़ लिया, साइमल्टेनियसली इंडेक्सेशन कीवर्ड्स रेडी डन। अब अपना नेक्स्ट स्टेप आता है कि हम इसे रिवाइज कैसे करें, व्हाट इज द की, हाउ वी कैन रिवाइज एमसीएस। सबसे पहले आपको क्या करना है, वंस यू हैव रेड द इंटायर चैप्टर वन टाइम, नाउ लिसन टू द ऑडियो नोट्स एंड ट्राई टू रिकॉल एवरीथिंग। क्वेश्चन है कि ये ऑडियो नोट्स जो है ये आएंगे कहाँ से, तो आप क्या करोगे, जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल आई कंप्लीट कंपनी लॉ, तो आई विल टेक नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स प्रिपेयर एन ऑडियो नोट फॉर माई सेल्फ चैप्टर वाइज। ऐसे आपको 8 चैप्टर्स 8 ऑडियो नोट्स प्रिपेयर करने हैं। ये ऑडियो नोट्स में क्या बोलेंगे आप बोलेंगे केस का नाम, दूसरा केस का क्वेश्चन इन्वॉल्व, तीसरा इस केस के अंदर का कंक्लूजन। पूरा हिंदी में आप कर सकते हैं ये इन योर ओन लैंग्वेज लेमेन वर्ड्स, और उस केस में जो स्टोरी हुई थी थोड़ी सी वो भी आप इसमें डालेंगे। यू हैव टू प्रिपेयर वन नोट फुल फ्लेज पर वन चैप्टर एंड लाइकवाइज। अब नेक्स्ट टाइम हम जब पढ़ेंगे तो हमें मॉड्यूल या फिर हमारे इसको इंडेक्स को उठाने की नीड नहीं है, लिसन टू दैट ऑडियो नोट एंड यू वुड बी सॉर्टेड। दिस विल हेल्प यू वन डे बिफोर द एग्जाम, दिस कैन यू कैन रिवाइज इट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। अगर आपने देखा है तो हमने हमारे स्टडी प्लान में ना एमसीएस का कहीं रिविजन प्लान नहीं किया है, क्यों, इस रीजन से, ये ऑडियो नोट यू कैन प्लग एंड यू कैन गो एनी वेन, यू कैन लिसन इट, है ना, आप ये चीज कर सकते हैं खुद के लिए। नाउ वाइल लिसनिंग उसमें भी आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, मेक एन अटेम्प्ट टू आंसर बिफोर यू से, ओनली लिसनिंग वोंट वर्क, यू हैव टू स्पीक, सिर्फ देखना इज अनदर पार्ट, इफ यू लिसन इज अनदर पार्ट, बट इफ यू लिसन एंड स्पीक टूगेदर, आपके जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो टुगेदर वर्क करते हैं, यू आर एक्टिव एंड यू नो कि हाँ इसके बाद ये है इसके बाद ये, सिर्फ सुनोगे ना तो आपको कुछ रिकॉल नहीं होगा, तो आपको ये दो चीज करनी है। इट विल टेक टाइम बट इवेंचुअली व्हेन यू लिसन इट अ थर्ड और फोर्थ टाइम यू विल सी द डिफरेंस ऑन योर सेल्फ। जब आप उसको थर्ड टाइम अगर चालू करेंगे ना, तो वो चालू होने से पहले आप खुद केसेस बोल पाएंगे। दिस इज द की टू रिवाइज एमसीएस। कमिंग अहेड, हमने पढ़ लिया, इंडेक्सेशन हो गए, कीवर्ड्स हो गए, रिविजन्स हो गए, अब क्या, अब हमें टेस्ट भी तो करना है ना खुद को कि हमें आता है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, यू कैन डू टू थिंग्स। सबसे पहला टाइमर लगाएंगे
कोई भी क्वेश्चन बैंक हो, पास्ट या पेपर हो, वो उठाएंगे अपन, और क्वेश्चन के जो केस लॉज है उसे ढूंढने की कोशिश करें। आई एम नॉट सेइंग राइट एवरी आंसर, नो, यू जस्ट हैव टू चेक कि क्या आप केसेस ढूंढ पा रहे हैं या नहीं विद इन स्पेसिफिक टाइम लाइन। डू दिस, दिस विल हेल्प यू ड्यूरिंग योर एग्जाम बिकॉज आपने ये ऑलरेडी एक बार प्रैक्टिस कर लिया है। ओके, अनदर थिंग विच यू कैन डू इज सेम वन एंड टू, इसमें ना आप दो चार आंसर लिख कर देखेंगे। आउट ऑफ 40 केसेस इन अ चैप्टर, ट्राई टू राइट वन और टू फॉर ईच ऑफ द चैप्टर, इट्स डन। क्योंकि अभी नवंबर है, वी डोंट हैव टाइम फॉर राइटिंग प्रैक्टिस। ओके, सो दैट डजेंट मीन कि हम कुछ भी ना करें, एक दो केसेस हर चैप्टर के लिख कर देखो। मेन ये है कि हमें एग्जाम के में पेपर प्रेजेंटेशन आना चाहिए, जस्ट फॉर दैट रीजन वी आर ट्राइंग टू डू इट राइट नाउ। ओके, देन कमिंग अहेड, ये तो हो गया आपका पूरा प्रिपरेशन, यू आर स्टडीइंग, यू आर रिवाइजिंग, यू आर टेस्टिंग योर सेल्फ। नाउ सम थिंग्स विच यू कैन डू फॉर योर सेल्फ ड्यूरिंग द प्रिपरेशन इफ यू हैव टाइम, अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं बाकी सब्जेक्ट के, कभी अगर आपको टाइम मिले तो आप क्या करेंगे, अपने इंडेक्स को मल्टीपल टाइम्स गो थ्रू करेंगे। जैसे कि अगर मैंने अभी मिस टाइम में आया 10 मिनट्स, आई विल टेक आउट माय इंडेक्स, आई विल गो ऑन रीडिंग, हाँ ये केस था, ये इसके अंदर कीवर्ड्स था, ओके दिस इज द मेन क्वेश्चन इन्वॉल्व, डन, नेक्स्ट नेक्स्ट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सिर्फ इस तरह से आपको 5-10 मिनट्स में एक बार अगर आप कर सकते हैं तो आप इसे रिवाइज करेंगे। तो मल्टीपल टाइम्स करने से क्या होगा, यू विल नो द प्लेसमेंट्स ऑफ केस लॉ। अब कैसा है, एग्जाम में अगर एक केस आ गया है ना, आपको पता है ये कौन से केस का है, आपको केस ढूंढने की जरूरत नहीं, आपको नाम भी पता है केस का। लेकिन अगर आपका इंडेक्स है, ये 3 पेजेस का इंडेक्स है, तो इन 3 पेजेस में तो आपको ढूंढना पड़ेगा ना। सो अगर आपने ऐसे मल्टीपल टाइम्स देख लिया तो आफ्टर अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आपको रियलाइज हो रहा कि नहीं, वो वाला केस ना किसी पेज के लास्ट में दिया था, तो आप सिर्फ लास्ट लास्ट पार्ट देखेंगे, नहीं यहाँ नहीं है, अच्छा इसमें लास्ट में, ओके ओके ये रहा ये रहा। यू विल डू दिस एंड दिस वर्क्स, ठीक है। एग्जाम में आपको ये छोटी छोटी चीजें बहुत काम आएंगी, बिकॉज कैसा है ना, ओपन बुक का हैक क्या है, टाइम मैनेजमेंट। मतलब वो बोल रहे हैं आपको जितनी बुक्स लेके जाना है जाओ, बस टाइम से खेल कर दिखाओ, हमें 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके दिखाओ। सो हमें उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहना है यहाँ पर। लर्निंग इज नॉट द की, इट इज इन द अदर योर 7 सब्जेक्ट्स, हियर इट्स योर टाइम मैनेजमेंट, योर प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी। आप वो अज्यूम करते हैं कि आप एक कंपनी सेक्रेटरी हो, आप एक ऑफिस में बैठे हो, क्लाइंट इज कमिंग टू यू विथ अ केस कि देखो ऐसा ऐसा हुआ है, ही इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू और आपको उसको सोल्यूशन देना है, तो उस वक्त आप क्या करेंगे, अपनी 4 बुक्स उठाएंगे, देखेंगे, दे आर प्रिपेयरिंग यू फॉर दैट डे थ्रू दिस पेपर। तो अंडरस्टैंड द इंटेंशन ऑफ आईसीएसआर एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, ऑडियो नोट्स को मल्टीपल टाइम्स सुन सकते हैं। आप वो क्रक्स, क्रक्स मतलब जो कीवर्ड्स प्रिपेयर किए हैं ना, उसको आप मल्टीपल टाइम्स देखेंगे, है ना। वन मोर थिंग, यू डोंट हैव टू स्टडी इट फ्रॉम द मॉड्यूल एक्सेप्ट सम एक्स्ट्रा केस स्टडीज, ये कौन सी है हम आगे देखेंगे। ओके, नाउ गो थ्रू द मॉड्यूल वंस डन विद द चैप्टर। क्यों, बस ऐसे ग्लांस करना है कि क्या 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 है, कुछ रीड नहीं करना है, कुछ नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज माई मॉड्यूल, आई एम गोइंग थ्रू, अच्छा ये है, ओके ओके ये है ये, प्रोवाइडेड टाइम है तो, नहीं है छोड़ दो, नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज यू हैव ऑल द जिस्ट ऑफ द एवरी केस लॉ विथ यू। ओके, नाउ कमिंग बैक, कैसे पढ़ना है 60 मार्क्स, ये देखा इंडेक्सेशन के बारे में, कीवर्ड्स के बारे में, कीवर्ड्स कैसे हेल्प करेंगे हम बाद में देखेंगे, कैसे रिवाइज करना है हमने ये भी देखा। नाउ कमिंग टू योर फर्स्ट 40 मार्क्स क्वेश्चन वन ऑफ योर पेपर, जो बोला जाता है आपका बिजनेस स्ट्रेटजी के चैप्टर से आता है, ठीक है, एज पर आईसीएसआई। सो नाउ हाउ शुड वी प्रिपेयर फॉर दैट 40 मार्क्स टुडे। सो देखो हम स्पेसिफिकली चैप्टर 6 की बात कर रहे हैं। अब दे हैव गिवन यू अ वेरी लिमिटेड कंटेंट इन दिस चैप्टर, बट एज पर द पास्ट पेपर ट्रेंड देर आर सम आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस आल्सो।
हमें इसका एक प्रॉपर सिलेबस देकर भी नहीं दिया. सो क्वेश्चन इज हाउ शुड बी प्रिपेयर. तो ये समझते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चंस कहाँ से ये पुट अप कर रहे हैं. इफ यू सी यू विल फाइंड द क्वेश्चंस फ्रॉम टू एरियाज. फर्स्ट इज फ्रॉम द मॉड्यूल एंड सेकेंड इज सम सरप्राइज क्वेश्चन. तो देखते हैं एक बार सच में ये क्वेश्चंस मॉड्यूल से आए हैं क्या एंड सरप्राइज क्वेश्चंस एज वेल. सी दिस इज योर जून 21 पेपर. ओके ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर वन बिग वन. ओके दे आर टॉकिंग अबाउट सम स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स योर बिजनेस स्ट्रेटजीज. ओके ये पूरा मॉड्यूल क्वेश्चन दिया है. मॉड्यूल में देखते हैं. योर स्मार्ट बिजनेस स्ट्रेटजीज इज गिवन हियर फर्दर. मतलब मॉड्यूल से क्वेश्चन तो पूछते हैं ये पता है. ओके एक और देखते हैं. दिस इज योर दिसंबर 22 क्वेश्चन पेपर. ओके दिसंबर 22 फंक्शनल स्ट्रेटजीज ठीक है मॉड्यूल का है. ओके सरप्राइज क्वेश्चंस आकर गए हैं क्या. हाँ सरप्राइज क्वेश्चन ये आपका जून 23 का पेपर है. ये मॉड्यूल का नहीं है. दिस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट अ सरप्राइज क्वेश्चन. सो गॉट इट. दो टाइप के दो जगह से क्वेश्चंस आते हैं. नाउ हाउ शुड वी प्रिपेयर. अब आपको क्या करना है मॉड्यूल में चैप्टर नंबर 6 बिजनेस स्ट्रेटजीज वाले चैप्टर में आप जंप करेंगे. वहां पर आप देखेंगे आपको बहुत सारे केस स्टडीज दिए हुए हैं. नाउ देर आर टू थिंग्स हियर. कुछ केस स्टडीज है जिनका केस स्टडी है क्वेश्चन है एंड सॉल्यूशन है. देर आर सम केस स्टडीज वेयर दे आर गिवन द एंटायर पैराग्राफ एंड द क्वेश्चन बट सॉल्यूशन इज नॉट गिवन. तो ये तो हम प्रिपेयर कर सकते हैं. अभी जहां जहां पर सल्यूशन दिया है वहां आपको मार्किंग्स करना है. ऐसी मार्किंग्स कि अगर एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो आई एम इन अ पोजिशन टू राइट डायरेक्टली फ्रॉम दोज मार्किंग्स. जो हम पेपर में लिखेंगे वही आपको मार्क करना है. ऐसा इसलिए क्योंकि देखो मुझे पता है फॉर एग्जाम्पल ये जून 21 में क्वेश्चन आया स्मार्ट ऑब्जेक्टिव. मुझे पता है चैप्टर 6 में है ये. बट एग्जाम में व्हेन आई ओपन दिस तो मुझे बहुत थेरी थेरी दिखेगा अपने मॉड्यूल में इतना सारा. अब इसमें से मुझे क्या लिखना है ये अगर मैं एग्जाम में मार्क करते वक्त बैठ गई सो आई विल लूज माय टाइम. सो इसीलिए अभी आप क्या करेंगे कुछ मार्किंग्स करेंगे खुद के लिए ठीक है. जो क्वेश्चन आएगा उसके रेलेवेंट जो पॉइंट रहेगा आप वो लिखेंगे. कैंसिल द लाइंस विच आर नॉट इम्पॉर्टेंट. यू हैव टू डू दिस फॉर योर एंटायर चैप्टर नंबर 6 योर फर्स्ट थिंग. अब जैसे जून 21 के अंदर ये पेपर आया था मेरे पास मार्किंग्स थी. मैं जाती थी अपने मॉड्यूल में यहाँ पर जो मार्क किए हुए थे आई वुड हैव रिटन डन डस्टेड सॉर्टेड. यू सेव योर टाइम. सेकेंड अब कुछ केस स्टडीज ऐसे हैं जहाँ सोल्यूशन नहीं दिया है. अगर आप ये अभी प्रिपेयर कर कर नहीं जाएंगे तो एग्जाम में आपका दिमाग पहले तो चलता नहीं है एमसीएस में. एंड उस पॉइंट पे टाइम इज रिस्ट्रिक्शन प्रेशर आ जाता है. आप सोच नहीं पाते हैं जितना इफेक्टिवली आप नॉर्मली करते हैं. तो इसीलिए इसके आंसर हम अभी प्रिपेयर करके जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर दिसंबर 22 में ये क्वेश्चन आया था देखो ये सेम टॉपिक मॉड्यूल में दिया हुआ है. सी ये जो पैराग्राफ है ना ये वाली केस स्टडी ये एग्जाम में आई थी पूरी शॉर्टकट शॉर्ट करके. ये क्वेश्चंस उन्होंने पूछे. सी फॉर योर सेल्फ द फंगवाड़ा फंक्शनल स्ट्रेटजीज दैट हेल्प द कंपनी टू अचीव सुपर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. व्हाट फंक्शनल स्ट्रेटजीज हेल्प द कंपनी टू अचीव द सुपर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. सी ऑल द क्वेश्चंस आर रिपीटेड फ्रॉम द मॉड्यूल इटसेल्फ. लेकिन यहां पर उन्होंने उसका सोल्यूशन दिया ही नहीं.
Now, those students who had prepared the answer for this well in advance were in a position to write this answer on spot, and I was one of them. जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, आई हैड अ स्माइल ऑन माई फेस बिकॉज मेरा आंसर रेडी था. क्वेश्चन देख के रियलाइज हुई वहां से है. आई रोट माई फर्स्ट क्वेश्चन इन द एग्जाम वॉज क्वेश्चन नंबर 1. जो स्टूडेंट्स बाद में लिखते हैं, आई रोट इट फर्स्ट. वाई? बिकॉज आई हैड द आंसर इन माई हैंड. सो वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई दिस? आपको ऐसे पॉइंटर्स के लिए आंसर प्रिपेयर करना है. नाउ द क्वेश्चन इज, आंसर कहाँ से प्रिपेयर करें? यू नीड टू टेक एफर्ट्स. आप थोड़ा सा जो ऊपर केस स्टडी दिया है, यहाँ से आप आंसर निकालिए, पॉइंटर्स बनाए, थोड़ा आप रिसर्च वर्क करिए एंड प्रिपेयर आंसर्स, और राइट इन सम नोटबुक, और कुछ क्रॉस रेफरेंसिंग दे दो, कहीं तो इंडेक्स में लिख दो. जब एग्जाम में आएगा तो आप डायरेक्टली उस पेज नंबर पे जंप करके आप आंसर लिख पाएंगे. ओके, सो दिस इज द सेकेंड थिंग यू हैव टू डू. सो हमने क्या किया चैप्टर 6 के लिए? चैप्टर 6 ओपन किया, जो केस स्टडीज ऑलरेडी दी है, सोल्यूशंस है, मार्क इट, एग्जाम में तुरंत लिख पाएंगे. सोल्यूशंस नहीं है वो प्रिपेयर कर लो, एग्जाम में तुरंत लिख पाएंगे. वी आर डन विद दीज टू थिंग्स. मतलब इससे ऐसा नहीं है, जो हमको मॉड्यूल दिया है उसका प्रिपरेशन तो हमने कर लिया. नाउ कम्स द सरप्राइज क्वेश्चन, जैसे कि जून 23 के पेपर में आकर गया. सो हाउ शुड वी प्रिपेयर फॉर दिस? नाउ देखो, यू नेवर नो वॉट इज गोइंग टू बी आज एंड फ्रॉम वेयर. ठीक है, नॉलेज इज इनफाइनाइट. क्वेश्चन प्रिपरेशन पैटर्न बहुत हो सकता है, आप सब कुछ कवर नहीं कर सकते, बट आप थोड़े से एफर्ट जरूर डाल सकते हैं. आपको क्या करना है, चैप्टर नंबर 6 के अंदर जो भी टॉपिक्स कवर किए हैं पहले एक बार उसे सॉर्ट आउट कर लो. फॉर एग्जाम्पल, स्वॉट एनालिसिस, फंक्शनल स्ट्रेटेजीज, अमूल की केस स्टडी एक्सेट्रा, ऐसे कुछ कुछ पॉइंट, पोर्टर्स मॉडल, ये सारी चीजें हैं. नाउ गो ऑन टू यूट्यूब. वहां पर आप वो कॉन्सेप्ट का टाइप करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, केस स्टडी, बिजनेस केस स्टडीज ऑन स्वॉट एनालिसिस. बहुत सारी केस स्टडीज आएंगी, जैसे कि अमूल. प्ले एनी ऑफ देम, यू विल सी कि उन्होंने क्या किया है, उस केस स्टडी को एक्सप्लेन किया है. दे विल टेल यू सम स्ट्रेंथ्स, क्योंकि आपने स्वॉट एनालिसिस पे सर्च किया है. स्ट्रेंथ्स क्या थी अमोल की, उनकी क्या वीकनेसेस थी, वो आपको लिस्ट देते हैं या वर्बली एक्सप्लेन करते हैं. व्हाइल वॉचिंग सच वीडियोस, टेक अ पेन एंड पेपर इन योर हैंड. जैसे वो बता रहे हैं कि अमूल ने स्ट्रेंथ्स के अंदर ना ये 2, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, उन्हें ये सारे काम की उनके स्ट्रेंथ्स है. अमूल पिका कुछ कुछ फेलियर अगर हुआ है तो उनके वीकनेसेस के कारण हुआ है, उनके वीकनेसेस क्या है. अब क्या है ना, ऐसे कर करके आप कुछ पॉइंटर्स प्रिपेयर करेंगे फॉर स्वॉट एनालिसिस. ओके, डू इट फॉर योर पोर्टर्स मॉडल ऑल्सो. सो द की इज, यू हैव टू टेक आउट सम कॉन्टेंट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वीडियोज फॉर योर सेल्फ. यू कैन गूगल इट, यू कैन डू रिसर्च वर्क, और इस तरह से ना आप कुछ पॉइंटर्स, आपके कीवर्ड्स, कुछ अच्छे इंग्लिश वाले वर्ड्स जो बोलते हैं ना हम, जो अपीलिंग होते हैं, एग्जामिनर को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, ऐसे कुछ पॉइंटर्स निकाल लेंगे आप. अब ये हमें एग्जाम में कैसे हेल्प करेगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको स्वॉट एनालिसिस पर कोई केस स्टडी आ जाती है एग्जाम में फॉर 40 मार्क्स, और लिखा होता है एक्सप्लेन द स्ट्रेंथ्स ऑफ दिस कंपनी जो ऊपर क्वेश्चन में है, तो ऑब्वियसली हम जब वो पैराग्राफ जो ऊपर दिया है उसमें से पॉइंटर्स तो निकालेंगे, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये जो आपने लिस्ट प्रिपेयर की है ना, इसमें से कुछ कॉमन वर्ड्स यूज करके आप वहां पर लिख सकते हैं. क्योंकि कैसा होता है ना, एंटायरली यू वोंट गेट द आंसर इन दैट पैराग्राफ, दैट्स फॉर श्योर. यू पिक एनी ऑफ द क्वेश्चन पेपर फ्रॉम पास्ट, आपको वहां पर अपना इंटेलेक्ट यूज करना ही पड़ता है, और उसमें फिर से जाता है टाइम. पॉइंटर्स बनाने में टाइम जाता है, सोचने में टाइम जाता है. सो क्यों ना हम ऐसे एक थोड़ी स्पेसिमेन टाइप लिस्ट प्रिपेयर कर ले खुद के लिए, और सामने रखना ना एग्जाम के टाइम, जब क्वेश्चन 40 मार्क्स सॉल्व कर रहे हो, अगर देख लेना किस टॉपिक पर आया है, उस साइड मेरे पास कुछ कंटेंट ऑलरेडी प्रिपेयर है क्या वेल इन एडवांस, उसमें से कुछ रेलेवेंट पॉइंट्स जो आपके क्वेश्चंस के आंसर से मैच हो सकते हैं वो आप लिख सकते हो. वन मोर थिंग, आई हैव डन दिस फॉर माई सेल्फ, दिस वर्क्ड वंडर्स, दिस हेल्प्स. मुझे ज्यादा ना सोचने की नहीं पड़ी. अच्छा, एग्जाम्पल कि कैसे टाइप के पॉइंटर्स. फॉर एग्जाम्पल, इसकी वीकनेस के अंदर मैंने एक पॉइंट से पढ़ लिया कि मार्केटिंग स्किल्स वॉज नॉट गुड बिकॉज द
employees they had in their organization did not have training. अच्छी ट्रेनिंग नहीं थी उनके पास, वो इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए उनकी मार्केटिंग सही से नहीं हो रही थी. दिस वॉज, तो ये उनकी एक वीकनेस हो गई. मैंने ऐसा लिख दिया एक पॉइंट, पुअर ट्रेनिंग स्किल्स, दिस इज वन पॉइंट. ठीक है, अच्छा स्ट्रेंथ्स में हम एक पॉइंट लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. सो लाइक वाइज यू हैव टू टेक आउट सम की वर्ड्स. ठीक है, इसके अलावा यू कैन नॉट डू एनीथिंग. हम वेल इन एडवांस इतना ही प्रिपेयर कर सकते हैं, कुछ कॉमन चीजें ढूंढ के रख सकते हैं खुद के लिए, ताकि एग्जाम में अगर कुछ आया तो हम उससे लिख पाएंगे. ओके, नाउ कमिंग अहेड, जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे इतना बिफोर द एग्जाम, सो व्हाट वुड बी इन योर हैंड. द कंक्लूजन इज, आपका एक तो जो केस लॉ का इंडेक्स हम पढ़ते वक्त बनाएंगे वो रेडी रहेगा, एंड दूसरा आपको केस स्टडी इंडेक्स बनाना है. अगेन दैट पार्ट इज लेफ्ट, हाउ टू डू इट, फ्रॉम वेयर टू डू इट, हम वो पढ़ेंगे. एंड देन आपको केस स्टडी इंडेक्स भी साथ में ही बनाना है. ये हो गया हमारा इंडेक्सेशन प्रिपेयर. नाउ वी आर प्रिपेयर फॉर द एग्जाम. अब ये देखते हैं कि ड्यूरिंग द एग्जाम हम हमारे प्रिपरेशन को कैसे अप्लाई कर सकते हैं. सबसे पहले क्या होता है, क्वेश्चन पेपर आया, 40 मार्क छोड़ दो, 60 मार्क पे हमने जंप किया. नाउ द फर्स्ट की इज यू हैव टू फाइंड द केस लॉज. सो अभी हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं पास्ट पेपर से, कैसे हम स्टेप बाय स्टेप केसेस ढूंढ सकते हैं, हाउ यू शुड यूज योर इंडेक्स, हाउ टू यूज द की वर्ड्स. वी विल सी इट राइट नाउ. योर जून 21 का एक क्वेश्चन पेपर है, हमने एक क्वेश्चन ले रहे हैं 2A. सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो, आइडेंटिफाई द एक्ट थ्रू सेक्शंस और अथॉरिटीज. सबसे पहला हमें ना एलिमिनेशन वाली स्ट्रेटेजी यहाँ पर यूज करनी है. मतलब अगर हमने 8 चैप्टर्स पढ़े हैं, हर चैप्टर के अंदर अगर आपने 40 केस लॉज पढ़े हैं, सो आपको 240 केस लॉज से, सॉरी, हाँ, आपको ये पता करना है कि इसमें से मेरा कौन सा है. ठीक है, 1 सेकेंड. ओके, सो आउट ऑफ दीज 240, आई एम सॉरी, 320 केसेस से मेरा केस कौन सा है ये हमें पता करना है. सो वी विल यूज द एलिमिनेशन प्रोसेस. सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे एक्ट टू द सेक्शंस एंड अथॉरिटीज. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर जून 21 पेपर. क्वेश्चन रीड करते से ना मुझे कुछ दिख रहा है, जैसे आर ओ सी, वापिस आर ओ सी दिख रहा है, देन एन सी एल टी, है ना. तो स्ट्राइकिंग ऑफ, ये वर्ड से समझ में आ रहा है कि नहीं, ये कंपनी लॉ से रिलेटेड दिख रहा है. अगर आप कोई और क्वेश्चन देखेंगे तो आपको सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, द बोर्ड, वो लिखा रहेगा. देखो सेबी है ना, अपीलियंट सेबी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ये क्वेश्चन जो है ना ये सेबी के चैप्टर से आया, जो सिक्योरिटीज लॉ के हमने केस स्टडीज पढ़े हैं. ओके, अगेन आईपीओ सेबी इजी. ओके, अच्छा आगे देखते हैं कुछ. जैसे आपको लिखा रहेगा सेक्शन 7 के अंदर एप्लीकेशन दिया है फॉर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी, फॉर सीआईआरपी प्रोसेस अंडर योर आईबीसी. सो वहां पर हमें सेक्शन 7 दिख रहा है, आईबीसी, योर क्रेडिटर्स, ऐसे वर्ड्स दिख रहे हैं. मतलब वो क्वेश्चन आपका आईबीसी के चैप्टर से लिया गया है. सो लाइकवाइज यू विल टेक आउट the key words and understand from which chapter it is. तो अभी हमने क्या किया खुद के लिए, आउट ऑफ दोज 320 केसेस मैंने एलिमिनेट कर दिए सारे चैप्टर्स और मैं आ गई 40 केसेस पर जो उस पर्टिकुलर चैप्टर में है. नाउ वॉट इज माई नेक्स्ट स्टेप, मुझे इस 40 में से भी फिल्टर करके खुद के लिए पता करना है कि मेरा केस कौन सा है. सो वॉट वी विल डू द नेक्स्ट, फाइंड द की वर्ड and read the last part of the question. मतलब अगर ये मेरा question है तो ये समझो कि यहाँ पर क्या keyword use किया गया है, क्या fact and issue involved है जिससे ये case बना.
फॉर एग्जाम्पल यहां पर मुझे स्ट्राइकिंग ऑफ दिख रहा है इनका रीजन, ठीक है, नेम स्ट्राइक ऑफ एक कीवर्ड दिख रहा है, एंड उन्होंने फिर अपील फाइल की है, ये दो चीज हुई है, एंड अदर इज यहाँ पर इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने कुछ ऑब्जेक्शंस बाद में रेस किए थे, तो ये सारे हमारे कीवर्ड्स हो गए. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू द नेक्स्ट, एंड रीड द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू आस्क यू. व्हाट दे ट्राइंग टू आस्क यू दैट द इनकम टैक्स अथॉरिटी फाइल्ड एन अपील टू द एनसीएलटी फॉर रिस्टोरेशन ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी ऑन द ग्राउंड दैट टैक्स ड्यूज अगेंस्ट द कंपनी वर नॉट डिटरमाइंड, कमेंट ब्रीफली इन द बैकग्राउंड ऑफ द डिसाइडेड केस लॉ. ये इसीलिए पढ़ना है क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा आंसर लिखना क्या, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं. ठीक है, मेन पार्ट हमारा, हमने जो अभी तीन पॉइंटर्स देखे ना आपको, अथॉरिटी सेक्शंस के थ्रू चैप्टर आइडेंटिफाई करना है, कीवर्ड आइडेंटिफाई करना है, दिस इज द मेन थिंग. अब हम क्या करेंगे, जैसे ही समझ आ गया है कंपनी लॉ का है, सो आई विल क्विकली गो टू माई इंडेक्स ऑफ कंपनी लॉ एंड सर्च फॉर द कीवर्ड व्हिच इज रिलेटेड टू व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल हमारा स्ट्राइक ऑफ था, नेम रिस्टोरेशन. ओके, आई विल गो टू माई इंडेक्स, दिस इज माई इंडेक्स ऑफ कंपनी लॉ. अब मैं ये इतना केस स्टडी दिया है और ये सब चीजों पे फोकस नहीं करेंगे आप. सी, ये जो केस स्टडीज दी है, सब्जेक्ट मैटर दिस इज नॉट ऑफ इम्पोर्टेंस राइट नाउ, एंड नॉट इवन द नेम, प्रोवाइडेड यू रिमेंबर द केस लॉ का नाम, सो गो एंड सर्च हियर. इफ नॉट, सो डायरेक्टली कम टू द फर्स्ट, आपकी पहली नजर सिर्फ आपकी कीवर्ड सेक्शन पर होनी चाहिए. देखो अब कैसे एलिमिनेशन हो जाता है यहाँ पर एग्जाम में. हमें पता है कि अभी हमने जो देखा, इट इज मर्जर अमलगमेशन, तो बिल्कुल भी नहीं, तो यहाँ देखना ही नहीं है. डायरेक्टर्स डिस्क्वालिफिकेशन रेजिग्नेशन, नो नो मर्जर, ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बात नहीं था, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, आईबीसी नहीं था, टाइपोग्राफिकल एरर के बारे में भी नहीं था. ओके, डायरेक्टर्स डिस्क्वालिफिकेशन नहीं, सी रेजिग्नेशन डिस्क्वालिफिकेशन, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, ये कुछ भी नहीं था, ONM में नहीं था. हाँ, नेम स्ट्राइक ऑफ जरूर था, ये एक आ गया, ए वाला भी नहीं, एक और नेम स्ट्राइक ऑफ आ गया, एक और आ गया, ठीक है, एंड वन मोर. नाउ आउट ऑफ दी दोस 40 केसेस मैंने सब एलिमिनेट कर दिए और बचे कितने, 1 2 3 4, 4 बचे. अब मेरा आंसर उन चार में से किसी एक के पास, दिस इज द पावर ऑफ की वर्ड्स. आर यू ट्राइंग टू रिलेटेड कि किस तरह से कीवर्ड्स बनने चाहिए. देखो ये कैसा है ना, अपने अपने इंटेलेक्ट पर है, लेकिन एक बार जब आप स्टार्ट करोगे ना खुद के लिए बनाना, आपको अपने आप ये प्रिपेयर करते आएगा. ठीक है, अब करना क्या है पता है ना, कीवर्ड्स ये है, सो यू जस्ट हैव टू रीड दिस 4. अब यहाँ पर आपको जो बाकी के जो दो कॉलम्स है वो रीड करने हैं, उसमें भी आपका जो लास्ट वाला पार्ट है, कॉलम नंबर सब्जेक्ट मैटर, जो भी आपने लिखा रहेगा, फैक्ट इन इशू लिखा रहेगा अपने नोट्स में, डिपेंडिंग अपॉन द इंडेक्स यू हैव, आपको बस ये देखना है कि उसमें मेन क्या था. जैसे कि अगर यहाँ पर नेम स्ट्राइक ऑफ फर्स्ट देख रहे हैं, इन्होंने क्या बोला है कि पावर ऑफ ट्रिब्यूनल्स वाइंडिंग अप के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं नहीं ये नहीं था. कमिंग अहेड डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड भी नहीं था, नो. यहाँ पर नेम रिस्टोरेशन दिख रहा है, अच्छा अब समझ आ रहा है कि मेरे जो क्वेश्चन में दिया था नेम रिस्टोरेशन की बात हो रही थी. देखते हैं एक बार, रिस्टोरेशन ऑफ नेम ऑफ द कंपनी, ओ यस, शायद यही तो केस है हमारा. देखते हैं, नेम रिस्टोरेशन ऑफ द कंपनी, सी आई हैव रिटन वन मोर कीवर्ड फॉर माई सेल्फ हियर, आईटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज नॉट गिवन, उन्होंने शॉर्टकट में लिखा, ओके, विद सम स्लैशेस एंड कीवर्ड्स, नेम स्ट्राइक ऑफ हुआ, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दी गई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, नेम स्ट्राइक ऑफ है, दिस इज माई केस स्टडी टू बी कोटेड, आई गॉट माई आंसर. अभी सुनने के लिए शायद आपको प्रोसेस बहुत बड़ा लग रहा होगा. वंस यू हैव डन योर इंडेक्सेशन अलॉन्ग विथ योर कीवर्ड्स और आपने इसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया रहेगा, तो आपको पता ही रहेगा कि हर चैप्टर में आपने कौन कौन से टॉपिक्स को लेकर कीवर्ड बनाया. मतलब एक नेम स्ट्राइक ऑफ है, डायरेक्टर्स डिस्क्वालिफिकेशन रहेगा, ONM रहेगा, मर्ज एनालिसिस, ऐसे वर्ड्स मैंने मेरे लिए बनाए हैं. देन एग्जाम में जब आप देखोगे तो ऐसे वर्ड्स को ढूंढने की कोशिश करना जो आप रिलेट कर पाओ, एंड यू वुड बी इन अ पोजिशन टू आंसर दीज वेरी वेरी इजीली एंड क्विकली. ट्राई फॉर वन चैप्टर, एक चैप्टर के लिए प्रिपेयर करो इंडेक्सेशन कीवर्ड्स,
क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, इफ इट वर्क्स फॉर यू डू इट, है ना। नाउ कमिंग बैक, सी से आउट ऑफ द 40 केसेस 5 रिलेटेड टू कीवर्ड, नाउ रीड द फैक्ट्स ऑफ दोस 5 ओनली एंड यू विल गेट द आंसर। क्या आपको समझ आया कि हमने उन 320 केसेस में से किस तरह से खुद के लिए 5-6 चूज करें? राइट द रेफरेंस इन द क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्व फॉर द क्वेश्चन। जो भी आपका यहाँ पर, अगर ये क्वेश्चन पेपर है तो आप यहाँ पर लिख देंगे आपका रेफरेंसिंग इस पेज नंबर पर है, ये केस है, एंड सर्च द नेक्स्ट। डोंट स्टार्ट राइटिंग, पहले आप केसेस ढूंढेंगे, बिकॉज अभी हमें 15 मिनट्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। दिस इज वेरी 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 हेल्पफुल इन योर ओपन बुक एग्जाम। नाउ कमिंग अहेड, ये हमें समझ में आ गया कि हमें एग्जाम में केस स्टडीज को कैसे ढूंढना है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स इज, ढूंढ तो लिया, पूरा पेपर सॉल्व हो गया, अब हम प्रेजेंट कैसे करें? सबसे पहले खुद के लिए अभी से एक फॉर्मेट प्रिपेयर कर लो कि मुझे ऐसा ही आंसर लिखना है। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपका पूरा क्वेश्चन पेपर का जो आंसर है, इफ यू आर राइटिंग इन द सेम फॉर्मेट, एक प्रेरणा एंड देन राइट ऑन रीजन, इट विल सेव योर टाइम, प्रिपेयर इट राइट नाउ ओनली। अच्छा, फॉर योर कन्वीनियंस आई हैव प्रिपेयर्ड अ प्रोफोर्मा, शेयरिंग इट टू योर सी। अच्छा, ये कैसे प्रिपेयर किया है? आई डिड दिस फॉर माई सेल्फ, टुक अ प्रिंट आउट और मैंने ना अपने पे बुक में सामने लगा दिया था, तो जब भी कोई आंसर लिखना होता, आई यूज टू टेक वर्ड्स फ्रॉम हियर, कॉपी पेस्ट फट फट फट, और फिल इन द ब्लैंक को सिर्फ फिल करने का काम था। ये कहाँ से लिया गया है? ये हमारे जो सजेस्टेड आंसर्स है ICSI के, उससे पिकअप करके ये कीवर्ड्स जो यहाँ दिख रहे हैं आपको, ये लिखे हैं। देखो आगे भी कंक्लूजन पार्ट में जो दिया है, सब कीवर्ड्स वहां से लिए हैं। इफ यू वांट यू कैन फॉलो दिस आल्सो, सी सम बेसिक लाइंस यू कैन राइट टू एनहांस योर पेपर प्रेजेंटेशन। आपका आंसर कैसे डिवाइडेड होता है? सबसे पहले आप आंसर के लिए एक इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखते हैं, जिसमें पहले आप लिखेंगे केस का नाम जो रिलेटेड है। तो द लाइन क्या है, द प्रेजेंट केस और द प्रॉब्लम इज सिमिलर टू द केस ऑफ एक्स वाई जेड, ये आपका फर्स्ट रहेगा। या फिर इसके जगह आप ये भी लिख सकते हैं, द वैलिडिटी और डिसमिसल ऑफ द सेड अपील पिटिशन केस कैन बी सीन विद द डिसीजन ऑफ एक्स वाई जेड अथॉरिटी इन द केस। अब हम यहाँ पर क्या वर्ड लिखे, तो देखो जो क्वेश्चन इन्वॉल्व है वहां पर आपको समझ में आएगा क्वेश्चन देख करके कि कौन सी अथॉरिटी इन्वॉल्व है, तो वो अथॉरिटी का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। अगर वो एक अपील का क्वेश्चन है तो अपील लिखेंगे, पिटिशन है तो पिटिशन, नॉर्मल केस है तो केस वर्ड लिखेंगे। अगर वो क्वेश्चन में आपको पूछ रहे हैं कि क्या इस केस को अगर हमने अपील अलाउ की तो क्या ये अपील वैलिड है क्या, तो वैलिडिटी इज द क्वेश्चन, तो वैलिडिटी लिखेंगे। वहां अगर वो पूछ रहे कि क्या उन्होंने अपील को डिसमिस कर दो, क्या ये सही था, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, डिसमिसल ऑफ द सेड अपील, जो क्वेश्चन इन्वॉल्व है इस केस के अंदर, वो ये केस का नाम दें। सो द वर्ड डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज आस्क्ड इन योर क्वेश्चन। ओके, दिस इज योर पैराग्राफ वन, दैट शुड बी द इंट्रोडक्शन टू द आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पैराग्राफ टू, आप यहाँ पर फैक्ट्स ऑफ द केस लिखेंगे। इन द केस लॉ साइटेड अबव एक्सप्लेन द फैक्ट्स ऑफ द केस। फैक्ट्स में क्या आता है पता है आपको, केस के अंदर जो स्टोरी हुई थी ना वो लिखना पड़ता है आपको यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने क्वेश्चन देखा जून 21 का, तो इस केस के लिए आपके पास जो भी नोट्स है जो आप रेफर कर रहे हैं, उसमें केस होगा, रीजंस, डिसीजंस, फैक्ट, व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली, उसमें थोड़े पॉइंटर्स निकाल कर आपको लिखना है। अगेन यू डोंट हैव टू कॉपी पेस्ट, यू जस्ट हैव टू राइट फ्यू पॉइंट्स हियर व्हिच इज रेलेवेंट, पूरा पूरा नहीं लिखना है, वो लिखेंगे। कमिंग टू योर थर्ड पैराग्राफ व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द शॉर्ट क्वेश्चन इन्वॉल्व इन द केस इज, मतलब पहले आप उनको बता रहे हैं कि ऊपर हमने जो केस रेफर किया ना, इस केस के अंदर क्या हुआ सुनो, वो केस में ये तो हो गया, लेकिन अब कोर्ट के सामने क्या क्वेश्चन आया है वो भी सुनो। तो वो हम यहाँ पर
क्वेश्चन इन्वॉल्व लिखते हैं। जैसे ही क्वेश्चन आया इस केस में जून 21 वाले क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन इन्वॉल्व था कि उन्होंने अपील फाइल की है एनसीएलटी को नेम रिस्टोरेशन के लिए, तो क्या ये अपील अलाउड रहेगी? क्या उन्होंने नेम रिस्टोरेशन अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी तो क्या वो सही है क्या? जो भी रहेगा आपका डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन वो आप लिखेंगे। अच्छा एक एग्जाम्पल भी दिया है, देखो राइट द क्वेश्चन इन्वॉल्व हियर इफ बिकॉज ऑफ विच द केस इज पेंडिंग फॉर डिसीजन बिफोर द कोर्ट और द ट्रिब्यूनल। फॉर एग्जाम्पल द शॉर्ट क्वेश्चन इन्वॉल्व इन द केस इज वेदर द डायरेक्टर्स जॉलिफिकेशन बाय द लोअर कोर्ट इज टेनेबल और नॉट। तो ऐसा एक लाइन आप लिखेंगे यहाँ पर। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम पैराग्राफ, उसे में ही कंटिन्यूएशन में आप लिखेंगे द ऑनरेबल कोर्ट हेल्ड दैट। अब हम क्या बोल रहे हैं उनको कि देखो ये यहाँ तक समझ आ गया, ये स्टोरी हुई थी कोर्ट के सामने, ये क्वेश्चन आया था, अब कोर्ट क्या बोल रही है आप ये भी सुनो, कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया आप ये भी सुनो, एंड देन यू हैव टू राइट द डिसीजन हियर। राइट द फाइनल जजमेंट द कोर्ट डिसीजन फॉलोड बाय द रीजंस फॉर सच डिसीजन गिवन बाय द कोर्ट। एंड लास्ट में आपका फोर्थ पैराग्राफ में आएगा कंक्लूजन। ये लाइंस आपकी सजेस्टेड आंसर से ली गई है, आपको जो अच्छी लगती है आप ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इन द व्यू ऑफ अफोरसेड डिसीजन बाय द ऑनरेबल कोर्ट, अगर कोर्ट है तो कोर्ट, ट्रिब्यूनल है तो ट्रिब्यूनल, इट कैन बी स्टेटेड और कंक्लूडेड दैट, या फिर बाय अप्लाइंग द अबव प्रिंसिपल्स इन द करंट केस इट कैन बी स्टेटेड कंक्लूडेड दैट एंड फर्दर। देखो ये सारी चीजें अभी प्रिपेयर करके जाना है हमको, वरना हम एग्जाम में ना लेमन टर्म्स में चीजें लिख देते हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पर कितनी ब्यूटीफुल लाइंस और वर्ड्स लिखी है इन्होंने, अफोरसेड डिसीजन, अप्लाइंग द अबव प्रिंसिपल्स, कीपिंग इन माइंड द आउटकम ऑफ द जजमेंट ऑफ द कोर्ट। क्या हम ऐसी लाइंस एग्जाम में उस प्रेशर में याद कर पाएंगे क्या? द आंसर इज नो। सो प्लीज प्रिपेयर वेल इन एडवांस फॉर योरसेल्फ, यू कैन यूज दिस ऑल्सो। सो कमिंग अहेड हाउ टू प्रेजेंट द आंसर, डन। अच्छा जरूरी है क्या कि हमें 2 पेज 3 पेज का आंसर लिखना है? मार्क्स देते हैं क्या? द आंसर इज नो, जरूरी नहीं है। लेंथ मैटर नहीं करता, आपका प्रेजेंटेशन मैटर करता है, आपने क्या कंटेंट लिखा है वो मैटर करता है। और अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे तो एवरी आंसर जनरली कैरीज 2 1.5 पेज हो ही जाता है लिखना। जब आप इतना सारा मैटर लिखते हैं ना तो ये 1.5 पेज तक अपने आप चले जाता है, दैट इज मोर देन सफिशियंट। ठीक है, ओके। नाउ द क्वेश्चन इज एग्जाम में हम 40 मार्क्स के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? प्रिपेयर तो हमने कर लिया। अब देखो जब आप वो क्वेश्चन नंबर 1 ओपन करेंगे ना तो अब ये सामने पहले वो जो आपने कुछ यूट्यूब से जो अपने लिस्ट बनाई रहेगी वर्ड्स वगैरह वो सब सामने रहेगी। ठीक है, अब डायरेक्ट क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन रीड करके समझ आ गया मॉड्यूल का है तो उठाओ अपना मॉड्यूल जहां से है वो लिखो। सॉल्यूशंस दिए हैं मॉड्यूल में सो वो, नहीं दिए हैं तो जो आपने बनाए थे वो। समझ आ गया नहीं मॉड्यूल से नहीं है, ये आउट ऑफ द बॉक्स है, रीड इट वेरी थरली। नाउ हाउ यू हैव टू रीड दैट क्वेश्चन अंडरस्टैंड दिस, 40 मार्क्स की बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले रीड ऑल द क्वेश्चंस फर्स्ट, मतलब देखो जब आपका एक क्वेश्चन आता है पेपर, इसमें ना कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, 4 क्वेश्चंस जनरली, डिपेंड करता है, इट कैन बी 2 2 मार्क्स, यहाँ पर 5 5 मार्क्स की ईच दिए है, 10 10 मार्क्स ईच दिया है, डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन सबसे पहले आप रीड करेंगे, उसके बाद पैराग्राफ पढ़ेंगे। बट जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस क्या है उसको याद रखना है, बिकॉज हमारा जो स्ट्रेटेजी रहेगा वो उस तरह से वर्क करेगा। रीड ऑल द क्वेश्चंस फर्स्ट, स्टार्ट रीडिंग द पैराग्राफ एंड कीप मार्किंग रेलेवेंट पॉइंट्स व्हिच कैन बी पार्ट ऑफ योर आंसर। हमने तो 4 क्वेश्चंस पढ़े तो फिर कैसा, आपको क्वेश्चंस याद है ना, आप पॉइंट्स से मार्क करते चलो और वहां पर 1 2 3 1 ऐसा लिखते चलो, मतलब पॉइंट नंबर जो 1 जहां जहां लिख रहे हो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए रेलेवेंट आंसर हो सकता है, जहां 2 लिख रहे हो क्वेश्चन 2 जो सब क्वेश्चन 2 है क्वेश्चन 1 का उसके लिए रेलेवेंट हो सकता है। इस तरह से आपको रीड करते चलना है, क्वेश्चन दिमाग में रखते हुए रीड करना है, एंड यू हैव टू कीप मार्किंग, यू हैव टू डू दिस प्रोसेस वेरी वेरी
विद कॉन्सेंट्रेशन आई कैन से, क्योंकि आप एक ही टाइम में क्वेश्चन याद रख रहे हो, पैराग्राफ रीड कर रहे हो, आंसर्स मार्क करने की कोशिश कर रहे हो, आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन पूरा यहाँ होना चाहिए आपका। एक और चीज, आप गड़बड़ी में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमें इसको एक ही बार पढ़ना है। यू नेवर नो कितना बड़ा क्वेश्चन है, कभी एक ही पेज का रहेगा, कभी चार पेज का रहेगा। यू डोंट हैव टाइम टू रीड दोस 4 पेजेस अगेन एंड अगेन। सो रीड इट ओनली वंस, रीड इट वेरी थरली, डोंट रीड इन हरी, एंड वाइल रीडिंग यू शुड हैव फुल कॉन्सेंट्रेशन एंड कीप ऑन मार्किंग द पॉइंट। इफ यू डोंट फाइंड द आंसर्स इन द पैराग्राफ, अब समझ में आ गया कि मैंने पैराग्राफ पढ़ा, कुछ कुछ पॉइंटर्स मिल गए, अब मुझे यहाँ से इसके अलावा मैं और पॉइंट्स नहीं लिख पा रही हूँ, तब आप क्या करेंगे? सोचना थोड़ा, 2 मिनट शांति से बैठ करके कि क्या हमारे मॉड्यूल में कहीं पर भी इससे रिलेटेड कुछ कंटेंट दिया है क्या? सी योर केस स्टडी बुक, योर इंडेक्स, योर केस लॉ इंडेक्स, जस्ट रिकॉल फॉर 2 मिनट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जून 23 का क्वेश्चन पेपर, यहाँ पर ये क्वेश्चन आया था, आउट ऑफ द बॉक्स था, इस पैराग्राफ से ज्यादा पॉइंटर्स नहीं बन पा रहे थे। सो नाउ हाउ टू डू इट, सो अगर मॉड्यूल में कुछ केस स्टडीज दिए हुए हैं, वहां पर पे इनके कुछ कुछ आंसर्स रेलेवेंटली दिए हुए थे। ओके, सो दैट वाज द हैक हियर, हम देखेंगे केस स्टडीज कैसे हैं, क्या है। ओके, एंड देन यू हैव टू टेक योर यूट्यूब का जाना था, थोड़ा सा आपके रेलेवेंट केस स्टडीज से रहेगा, हम जो रेफरेंस बुक लेकर जाएंगे वहां भी इसका आंसर हो सकता है। ये सब आपको कब करना है? जब आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आएगा ना, तब करना है। मॉड्यूल में दिया है तो कोई बात ही नहीं है, है ना? और थोड़ा सा अपना IQ जो है ना, इंटेलेक्ट, उसे भी यूज करना, अपने बाकी रेफरेंस बुक्स में सोचना कि कहीं दिया है क्या। फॉर एग्जाम्पल रिस्क मैनेजमेंट अगर क्वेश्चन आया था जून 23 में, एक क्लिक था कि गवर्नेंस की बुक में इसका आंसर है, तुरंत रेफरेंस बुक उठाई, अपनी गवर्नेंस की लिखना चालू किया, है ना? दिस इज द थिंग यू कैन डू फॉर योर सेल्फ फॉर द 40 मार्क्स। ओके, कितने पॉइंटर्स लिखने चाहिए हमने? अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है तो कम से कम 15 तो लिख कर आना। क्यों? 1 मार्क फॉर ईच, लेकिन जितने का क्वेश्चन होते हैं हमेशा उससे ज्यादा लिखना चाहिए। ठीक है, बेयर मिनिमम 10 तो लिख कर ही आना, तब जाकर कहीं आपको 7 मार्क्स तो मिलते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू वन इम्पोर्टेंट पार्ट विच आई हैव बीन रेफरिंग सिंस द इनिशियल ऑफ द सेशन, केस स्टडीज। मतलब क्या, और ये इम्पोर्टेंट है क्या, कहाँ दी हुई है? ये आपके मॉड्यूल में ही है। देखो हमारा मॉड्यूल कैसा फ्रेम्ड है, इट हैज 8 चैप्टर्स, एवरी चैप्टर उसमें बहुत सारे केस लॉस, चैप्टर केस लॉ, चैप्टर केस लॉ। चैप्टर नंबर 6 आएगा आपका बिजनेस स्ट्रेटजीज वाला। अब इन सब के बीच बीच में ना कहीं कहीं उन्होंने केस स्टडीज दी है। देखो यहाँ पर फॉर योर रेफरेंस आई हैव आल्सो मेंशन द पेज नंबर ऑफ द मॉड्यूल, पेज नंबर 49 ऑनवर्ड्स कुछ केस स्टडी है, देखते हैं मॉड्यूल। यह पेज नंबर 49 ऑनवर्ड्स कुछ केस स्टडी है, ये देखो बहुत सारी चीजें दी है इसके अंदर, केस स्टडी में कुछ सेक्शन दिए हैं, प्रोविजन दिए हैं। तो आप क्या करेंगे, एक बार आपके वो 8 चैप्टर्स पढ़कर हो जाए, फिर आप ये केस स्टडीज पढ़ेंगे और इसके लिए भी इंडेक्स प्रिपेयर करेंगे। इंडेक्स कैसा रहेगा आपका, देखो योर सीरियल नंबर, फिर इसके बाद केस स्टडी का टॉपिक लिखेंगे आप। जैसे कि यहाँ पर टॉपिक क्या था, कंपनीज एक्ट सेक्शन 244, सो आई विल राइट हियर कंपनीज एक्ट सेक्शन 244। जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे यू विल रियलाइज कुछ केस स्टडीज है IBC की, तो आप यहाँ पर लिखेंगे सेक्शन 7 8 जो भी उस केस स्टडी में है, और लिखेंगे इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, एंड लाइकवाइज यू विल प्रिपेयर दिस कॉलम। फिर यहाँ पर आपका रहेगा क्वेश्चन इन्वॉल्व, आप यहाँ पर क्वेश्चंस लिखेंगे जो जो इस केस में हुए हैं, और यहाँ पर आपका रहेगा पेज नंबर ऑफ योर मॉड्यूल, क्योंकि हमने मॉड्यूल से लिखा है, आंसर भी मॉड्यूल में है। अब जब एग्जाम में अगर कोई केस स्टडी आई,
तो हम क्या करेंगे, पहले ये चेक करेंगे उस क्वेश्चन को पढ़ के कि कौन से एक्ट से दिया है। अच्छा समझ में आया, कंपनीज एक्ट से है। आउट ऑफ दोस 20 to 30 केस स्टडीज आई विल फाइंड कंपनीज एक्ट का, जो मैंने कहीं कंपनीज एक्ट लिखा है कहीं, यहाँ पर से यहाँ लिखा था हमने। ओके आउट ऑफ दोस 20 to 30 पता चला 5 कंपनीज एक्ट से रिलेटेड है। फिर मैं क्वेश्चन इन्वॉल्व रीड करूंगी, और एग्जाम में जो क्वेश्चन इन्वॉल्व लिखा होता है और यहाँ इट इज डिटो कॉपी सेम, हम एक क्वेश्चन देखेंगे कैसा आया है। और फिर समझ आया कि आउट ऑफ दोस 5, ये जो सेकंड वाली है ना ये मेरी है। पेज नंबर जाएंगे, मॉड्यूल जाएंगे, कॉपी पेस्ट करना स्टार्ट करेंगे इन योर ओन वर्ड्स, माइंड इट। ऐसा आपको सारे केस स्टडीज के लिए करना है। तो हमारे पास दो इंडेक्स प्रिपेयर हो गए, एक हो गया केस लॉ का, एक हो गया केस स्टडी का। ये कैसे यूजफुल है हम देखेंगे। देखो पेज नंबर 49 ऑनवर्ड्स हो गया ये एक आपका, फिर 283, 287 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। योर केस स्टडीज देखो, मैंने आपको क्या बोला था, केस स्टडीज रहेगी यहाँ पर, क्वेश्चंस रहेंगे और उन क्वेश्चन के सजेस्टेड आंसर्स रहेंगे, राइट। अब एक एग्जाम क्वेश्चन देखते हैं जहां पर केस स्टडी एज इट इज मॉड्यूल से आकर गई है, बट स्टूडेंट्स आर अनेबल टू ट्रेस दैट, क्योंकि उन्होंने इसे इग्नोर कर दिया, दे फोकस्ड ऑन ओनली केस लॉज। ये देखो ये आपका है जून 22 का पेपर, ये वाला कॉपी पेस्ट है मॉड्यूल से, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है, लेट्स चेक। ये देखो रीड करो, यहाँ पर ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है और ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन है। दक्षिण नारायण इज अ वेल नोन अवार्ड विनिंग शेफ एक्सेट्रा, मॉड्यूल में है क्या ऐसा देखते हैं। द टेस्ट बड्स वॉज इन रेस्टोरेंट लोकेटेड एट दिस, इट वॉज एन अवार्ड विनिंग शेफ्स वगैरह थे वहां पर। देन उन्होंने दे एफर्ट्स वर मेड टू इधर रेंट और रिड्यूस और सेल द बिजनेस, ये सब अनसक्सेसफुल हो गया था। देखो अटेम्प्ट्स वर मेड टू डिक्रीज द रेंट एक्सेट्रा बट बोथ वर फ्रूटलेस, समझ आ रहा है क्या। सेम लाइंस पर है, बस वर्ड्स चेंज किए उन्होंने। सप्लायर्स ऑफ द फूड बेवरेजेस यूटिलिटीज वर दिस दिस इन आउटसाइडिंग सप्लाईज फ्रॉम द वेरियस वर दिस दिस डेज, ये देखो सप्लाईज इतने इतने डेज से था, ये अमाउंट में था, डिट्टो कॉपी है। द टेस्ट बड ऑल्सो हैड सिक्योर क्रेडिटर्स सिक्योर बैंक नाम का, इन्होंने भी दिया। द सरन बैंक वॉज अनदर सिक्योर क्रेडिटर फॉर द दक्षिण नारायण, ठीक है। यू कैन रीड दिस ऑन योर ओन, पूरा सेम है। इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा, इन दिस सर्कमस्टेंस हु हैज द अथॉरिटी टू स्टार्ट द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस, क्या ये हमारे मॉड्यूल में है क्या। वेदर द टेस्ट बड कैन अप्लाई फॉर फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस, ओके एंड अहेड हु इज अबाउट टू स्टार्ट द प्रोसेस, हु कैन इनिशिएट द सीआईआरबी प्रोसेस इन दिस केस। इसका आंसर था ये सी, क्वेश्चन सी वाला था, और यहाँ पर आंसर जो दिया है वो भी ये सी वाला था। दिस वॉज दी आंसर फॉर दैट 5 मार्क क्वेश्चन। अब मुझे बताओ, अगर आप ये केस स्टडीज इग्नोर करके जाते तो क्या आप ये लिख पाते। आप क्या करते पता है, आईबीसी की बुक ओपन करते, यू वुड हैव ट्राइड टू सर्च द आंसर फॉर योर सेल्फ, वहां से लिखते, इट वुड हैव टेकन सो मच ऑफ योर टाइम।
सो अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली कि आपका वो जो 60 मार्क्स और 40 मार्क्स का डिविजन है ना क्वेश्चन का, इसके क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं और एग्जाम में हमें कहाँ से करना है ये समझो। 60 मार्क्स आपका सिर्फ केस लॉ नहीं है, केस स्टडीज भी है, हमने अभी देखा। इसीलिए इसका आप इंडेक्सेशन और केस स्टडी का इंडेक्सेशन एज डिस्कस्ड राइट नाउ दोनों करेंगे। जब आप ये सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन रीड करके समझ आएगा कि ये केस स्टडी का है कि केस लॉ का है। अकॉर्डिंगली आप अपना इंडेक्स उठाएंगे और हम जैसे डिस्कस किया वैसे आंसर ढूंढ के क्रॉस रेफरेंसिंग करेंगे। जब 40 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो तब आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, आपने जो तो पॉइंटर्स बनाए हैं यूट्यूब से वो सामने रखेंगे, अपना बिजनेस स्ट्रेटेजी वाला चैप्टर सामने रखेंगे और उसका आपका जो इंडेक्सेशन में अपने मार्किंग्स की रहेगी वो सामने रखेंगे और क्वेश्चन रीड करेंगे। मतलब ये समझो कि एग्जाम में हम जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं उसके लिए सामने कौन सा मटेरियल होना चाहिए, वरना जनरली क्या होता है पता है, स्टूडेंट्स ऐसा बंडल ऑफ बुक्स लेके जाते हैं, सब टेबल पे फैला देते हैं, देन दे शफल द पेजेस। ये समझो क्वेश्चन क्या है, कहाँ से आया है, मेरे लिए उसके पास क्या मटेरियल है, वही मेरे सामने होना चाहिए, बाकी मेरे साइड में होना चाहिए। ओके, सो दिस इज समथिंग आई वॉज रेफरेंसिंग सिंस लॉन्ग केस स्टडीज। ओके, यहाँ पर मैंने मॉड्यूल के पेज नंबर्स भी लिखे ताकि आपको सर्च ना करना पड़े कहाँ कहाँ केस स्टडीज दी हुई है। ठीक है, यहाँ यहाँ से दी है एंड डू फॉर योरसेल्फ। अगेन जैसे हमने मार्किंग्स करी है ना वैसे आप यहाँ पर मार्किंग्स करेंगे खुद के लिए इस चैप्टर में एज डिस्कस्ड अर्लियर। अगर एग्जाम में आया तो हम लिख सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर MDCS। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम एग्जाम में क्या लेके जाए और अगर हम ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेकर जाए तो व्हाट इज द रीजन, ये हमें कहाँ काम आ सकता है। लेट्स सी, सबसे पहला आपके पास रहेगा आपका MDCS में केस लॉ का इंडेक्स, दूसरा आएगा जो केस स्टडीज हमने अभी देखी उसका एक छोटा सा इंडेक्स। इफ देर आर एनी अमेंडमेंट्स सो यू विल टेक योर अमेंडमेंट्स ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट देर वुड बी सम नोट्स फॉर योर एग्जीक्यूटिव एंड योर प्रोफेशनल। अब एग्जीक्यूटिव के कौन से ले जाए, सबसे पहले आप सेबी का SBEC का ले जाएंगे। क्यों, अगर कुछ लेबर लॉ रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो हमने बहुत सारे लॉज पढ़े हैं, कोड ऑफ वेजेस, देन योर मटर्निटी बेनिफिट, योर इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हमने पास्ट पेपर देखा है, एग्जाम में क्वेश्चन आकर गए। ओके, सो यू हैव टू टेक दिस इस टॉपिक्स के लिए। कंपनी लॉ, अब देखो कैसा है ना, हमारे प्रोफेशनल के EBCS MCS के सब्जेक्ट में जो चैप्टर्स दिए हैं उससे रिलेटेड जो कंटेंट आपके पास, आपको वो लेके जाना है। हो सकता है वो यहाँ से केस लॉ ना पूछे लेकिन आपको कुछ कॉन्सेप्ट पूछ ले, कुछ सेक्शन पूछ ले जो आपके कंपनी लॉ से जरूर रिलेटेड होगा, बिकॉज दे अज्यूम आप कंपनी लॉ पढ़कर आए हो, तो वाई नॉट टेक दैट मॉड्यूल अलॉन्ग विथ यू, क्योंकि अगर कोई सेक्शन आ गया तो आप क्या करेंगे। आई एम कीपिंग इन माइंड द पास्ट पेपर ट्रेंड, दे कैन आस्क यू एनी थिंग फ्रॉम दैट पर्टिक्यूलर लॉ। ओके, तो इसलिए आप कंपनी लॉ ले जाएंगे। हमारा सिलेबस में फेमा को लेके केस लॉज है इसीलिए EBCL ले जाएंगे। SM आप स्पेशली 40 मार्क्स के लिए लेकर जाएंगे, इसके अंदर ना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, बिजनेस टूल्स, पोर्टर मॉडल, बहुत सारी चीजें दी हुई है जो हमारे अभी के सिलेबस से रिलेट करती है, सो देयरफॉर यू विल आल्सो टेक दिस अलोंग विद यू। कमिंग अहेड योर सेबी, सेबी की जो बुक है वो क्यों ले जाएंगे हम, क्योंकि हमारे पास अभी एक चैप्टर है सिक्योरिटीज लॉ वाला, इसीलिए हम ये ले जाएंगे। नाउ प्रोफेशनल का गवर्नेंस लेके जाना है, बहुत सारा कॉमन कंटेंट है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मैनेजमेंट एक्सेट्रा, RCD ले जाएंगे, इसमें बहुत सारे लॉज दिए हुए हैं, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट दिया है ना, देन उसके बाद CRM ले जाएंगे क्योंकि आपके मर्जर्स एमलगमेशन के बारे में इंफॉर्मेशन है, सेपरेट ऑडिट इज नॉट नीडेड, देन फंडिंग अगेन आपका रिलेटेड चैप्टर है सिक्योरिटीज लॉ का, इसलिए एक चीज समझो किस बेसिस पर ये बुक्स लेके जाना है। आपके सिलेबस में जो टॉपिक्स अभी है जैसे कि ONM से रिलेटेड केस लॉज है कंपनी लॉ के चैप्टर में, मर्जर एमलगमेशन से है, डायरेक्टर्स डिस्क्वालिफिकेशन से है, ओके,
जो टॉपिक्स हम अभी पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड जो मटेरियल आपके पास पास्ट में है वो लेकर जाएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एंड योर जून 2023 का क्वेश्चन पेपर इज अ प्रूफ ऑफ दैट। जो हमारा अभी पेपर आया था ना AMD CS का, उसमें रिस्क मैनेजमेंट को लेकर पूछा गया था। क्यों? क्योंकि आपको रिस्क मैनेजमेंट को लेकर के आपने कुछ केस लॉज ऑलरेडी दिए हुए हैं हमारे अभी MCS के सिलेबस के अंदर, तो उन्होंने वहां से कुछ एक्सट्रैक्ट निकाले हैं और पूछा है। तो दे अज्यूम कि आपको कंटेंट ऑलरेडी पता होगा, आप तो पढ़कर आ रहे हो ना, ग्रुप 1 देकर आ रहे हो, तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा वहां से पूछ लेते हैं। देन आपने एक चीज, फेमा EBCL का, फेमा का एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी। क्यों फेमा का पूछा वहां से लेकर के? क्योंकि अभी हमारे इसमें फेमा को लेकर के एक टॉप चैप्टर है पूरा, उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक जो पहले आपने पढ़ा था वो पूछ लिया आपसे। सो जस्ट टू कंक्लूड द थिंग इज, इफ द टॉपिक्स इज रिलेटिंग टू योर एग्जीक्यूटिव, टेक दैट बुक अलोंग विथ यू, यू नेवर नो कब काम आएगा। ओके, क्या ये काम करता है क्या? द आंसर इज येस, इन द जून 2023 पेपर इट रियली डिड। ओके, यू माइट हैव अ क्वेश्चन दैट हमने एग्जीक्यूटिव कितने बुक्स तो लेकर जा रहे हैं पर पढ़े हमें जमाना हो गया, तो हम कैसे कर सकते हैं? सो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट बिफोर गोइंग इनटू योर एग्जामिनेशन मोड जा रहे हो घर से, तो उसके पहले एक बार इंडेक्सेशन रेफर कर लो। इंडेक्स ऑफ एवरी चैप्टर ऑफ एवरी सब्जेक्ट ऑफ योर एग्जीक्यूटिव बुक। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा, आर यू अंडरस्टैंड कि नहीं, ये हमारे मॉड्यूल से नहीं है MCS के, बट सीइंग दैट यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द लॉ, जैसे फॉर एग्जाम्पल फेमा, FDI या कॉम्पिटिशन एक्ट, तो यू आर अंडरस्टैंडिंग कि ये हमारे EBCL के कॉन्टेंट से रिलेटेड है। इफ इट इज टॉकिंग अबाउट सम कंपनी लॉ, डायरेक्टर्स, योर मीटिंग्स, यू अंडरस्टैंड इट इज अबाउट सेइंग समथिंग अबाउट द कंपनी लॉ, तो यू पिक दैट पर्टिकुलर मॉड्यूल। आपसे EBCL उठाया, आपको दिख रहा है कॉम्पिटिशन एक्ट है, EBCL के मॉड्यूल में जाएंगे हम, कॉम्पिटिशन एक्ट चैप्टर जो टॉपिक पूछा गया है वो टॉपिक हम चेक करेंगे, गो ऑन टू द पेज नंबर एंड यू विल हैव द प्रोविजन इन फ्रंट ऑफ यू। लाइकवाइज यू हैव टू रेफर योर एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल, प्रोवाइडेड द क्वेश्चन इज आस्क्ड समवेयर आउट ऑफ द बॉक्स एंड नॉट फ्रॉम योर MCS मॉड्यूल। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर MCS सब्जेक्ट प्रिपरेशन। वी डिस्कस्ड दैट हाउ यू शुड प्रिपेयर फॉर योर 60 मार्क्स एंड योर 40 मार्क्स वेल बिफोर एडवांस। देन वी डिस्कस्ड हाउ टू प्रेजेंट द आंसर इन द एग्जाम। थर्ड, व्हाट आर योर रेफरेंस बुक? टेक अ पॉइंट, योर इंडेक्सेशन कीवर्ड्स प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फाइंडिंग द केसेस इन द एग्जामिनेशन। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेशन, दैट इज योर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, योर ओपन बुक एग्जामिनेशन। कैसे करें? देखो, इतना तामझाम नहीं है IBC में एज वी डिड इन MCS, बिकॉज एज डिस्कस्ड अर्लियर यहाँ पर दे हैव गिवन यू IBC का पूरा पूरा लॉ। वो बोल रहे हैं हम एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे तो सिर्फ ये लॉ से ही पूछेंगे, कहाँ से होगा ये नहीं पता। तो आप सिर्फ लॉ पर कमांड रखो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखो, एक प्रॉपर इंडेक्सेशन बनाओ, मार्किंग्स रखो, खत्म। कैसे होगा ये देखो, सबसे पहले आपने IBC का जितने भी चैप्टर्स है पूरे पढ़ लिए। आपको एक चीज करनी है, जब भी आप पढ़ोगे आपको मार्किंग्स करना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। व्हाई? फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 7 का कोई क्वेश्चन आ जाता है एंड दे आर आस्किंग यू अबाउट सम लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच यू हैव टू अटैच अलॉन्ग विद योर एप्लीकेशन टू द NCLT, तो आपने अपने मॉड्यूल में वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स को ऐसा हाईलाइट करना, मार्क करना। भले ही आपके पास इंडेक्स हो, पर आप इंडेक्स में जाओगे, फिर सेक्शन 7 जाओगे, फिर आप ढूंढोगे, देन वहां आप मार्किंग करोगे एंड देन यू विल राइट, यू विल वेस्ट योर टाइम। टाइम भी तो नहीं है हमारे पास एग्जाम, इसीलिए आप पूरे सिलेबस का अभी आप रिवाइज करेंगे, यू स्टिल हैव टाइम इफ यू हैवंट डन राइट, है ना?
आप मार्किंग करोगे सिर्फ, मार्किंग मतलब जो इररेलेवेंट चीज है उसे क्रॉस कर दो, जो चीज ऐसा लग रहा है छोटे हेडिंग्स लिखे हैं बड़े बड़े नहीं है, जैसे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है उन्होंने छोटा सा लाइन लिखा है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर दिस और ये डॉक्यूमेंट्स है, तो बहुत छोटा है ये एग्जाम में नोटिसेबल नहीं होगा आपको, थोड़े तो बड़े हाईलाइटेड वर्ड्स में यहाँ पर लिख दो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। सो मेक दैट कॉन्टेंट इजी फॉर योर सेल्फ कि अगर मुझे एग्जाम में ढूंढना रहा तो मुझे फटफट इसमें से मिल जाएगा। आपको सिर्फ मार्किंग करना है, इररिलेवेंट चीजों को कट करना है। दिस इज फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू व्हेन यू आर स्टडीइंग आईबीसी ओपन बुक। सेकेंड, स्टडी अप्रोच क्या होना चाहिए पढ़ते वक्त, क्या हमें कुछ लर्न करना है क्या? द आंसर इज नो। हर सेक्शन की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए कि सेक्शन में क्या पूछा गया है, कैसे पूछा गया है। आपको पूरा आईबीसी के अंदर का सीआईआरपी प्रोसेस बाय हार्ट होना चाहिए, कहाँ क्या पर दिया हुआ है। इवन आपको सारे चैप्टर्स के सारे कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, दैट इज द की हियर। सेकेंड, जब आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल ओपन माई मॉड्यूल और माई नोट्स, आई एम रीडिंग, आई एम डूइंग माई मार्किंग, मेकिंग थिंग्स क्रॉस कट एक्सेट्रा, कंसेप्ट समझ से चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। साइड बाय साइड यू शुड हैव योर इंडेक्स ऑल्सो, दिस इज समथिंग विच प्लेज इंपॉर्टेंट रोल हियर। क्योंकि कैसा है ना, सब पता है हमें, आंसर भी पता है, लेकिन अब उस बुक में हम आंसर ढूंढे कहाँ, पेजेस पलटाते रहेंगे तो टाइम निकल जाएगा। तो आप इंडेक्स अगर है आपके पास तो वेल एंड गुड, या फिर नहीं है तो आप अभी भी कर सकते हैं प्रिपेयर। इंडेक्स लेंगे, यहाँ पर आपका रहेगा नंबर, देन यहाँ पर रहेगा चैप्टर नेम, हमें चैप्टर वाइज इंडेक्स बनाना है। और यू कैन डू वन थिंग, राइट योर चैप्टर नेम हियर, मतलब एक चैप्टर खत्म हो गया फिर उसके बाद सेकेंड चैप्टर हम लिखेंगे यहाँ, एंड देन यू विल डू द सेम थिंग, ये हो गया है ना, एंड देन यहाँ पर चैप्टर नेम फिर से लिखेंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये हो गया चैप्टर वन। देन यू विल राइट योर सब्जेक्ट मैटर, मतलब टॉपिक, जैसे कि रहेगा डेफिनेशन, ठीक है, फिर उसके बाद आपका रहेगा आगे जो भी रहेगा वो, आपको जो कीवर्ड्स मतलब जो हेडिंग्स है ना हमारे मॉड्यूल में, वैसा हेडिंग यहाँ पर होना चाहिए। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर रहना चाहिए यहाँ पर। क्यों? क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना, कभी कभी वो सेक्शन नंबर रेफर करके पूछते हैं, तो इंस्टेड ऑफ सर्चिंग फॉर दी सब्जेक्ट मैटर डायरेक्ट सेक्शन नंबर देख लिया हमने, यहाँ सेक्शन 7 के बारे में कुछ तो भी पूछा है, हम यहाँ देखते हैं 7 कहाँ पर है, आगे यहाँ पर हम लिखेंगे पेज नंबर उस नोट्स का जहां से आप रेफर करेंगे आंसर लिखने के लिए, उसका पेज नंबर हम तुरंत यहाँ जाएंगे और आंसर लिखेंगे, और यही काम आता है यहाँ पर एग्जाम में, ठीक है। तो ऐसा इंडेक्स बनाएंगे। इसमें एक और चीज आएगी आपकी, जैसे ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, इंडेक्स, उस इंडेक्स उस पर्टिकुलर चैप्टर के इंडेक्स के लास्ट में आप लिखेंगे केस लॉज इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, जो जो केसेस आए हैं उसमें वो लिखेंगे यहाँ पर। जैसे मैं यहाँ पर, यहाँ तक कि मेरे पास इंडेक्स बन गया, फिर मैं केस लॉ 1 का नाम लिखूंगी, 2 का नाम लिखूंगी, या फिर राइट द नेम हियर, ये केस लॉ कौन से सेक्शन से रिलेटेड है उस सेक्शन का नंबर लिखेंगे यहाँ पर, पेज नंबर लिखेंगे है ना, और यहाँ पर एक और कॉलम है उसके अंदर उसका कुछ फैक्ट्स लिखेंगे, मतलब इस केस में हुआ क्या था। अब एग्जाम में ये इंडेक्स कैसे काम आता है देखो, क्वेश्चन आया, ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करके समझना कौन से सेक्शंस इन्वॉल्व है यहाँ पर, चैप्टर कौन सा है ये कभी काम नहीं आएगा, सेक्शंस काम आएंगे आपको। सेक्शन समझ में आ गया, ठीक है, तो अब ये तो पता है ना हमें कि ये सेक्शन कहाँ पर दिया है, और ये प्रिपेयर करेंगे तो सिक्वेंशियल मैनर में ही होगा कि हमारे चैप्टर्स भी वैसे फ्रेम्ड है मॉड्यूल। यू विल गो टू दैट पर्टिकुलर पार्ट, कभी कभी आपको सब्जेक्ट मैटर काम आएगा तो आप सब्जेक्ट मैटर पे जाएंगे, दैट इज द फर्स्ट की टू सर्च। सेकेंड, अगर कोई केस लॉ आ जाता है तो केस लॉ पढ़ के हमें अगेन समझ में आता है कौन से सेक्शन से केस लॉ आया है, यू विल अगेन सर्च फॉर द सेक्शन नंबर ओनली कि कौन सा है, और सेकेंड थिंग सेक्शन से नहीं हो रहा है तो जो फैक्ट्स आपने लिखे हैं आप वो सर्च करेंगे, एंड देन यू विल राइट योर आंसर। सो लाइकवाइज यू कैन सर्च फॉर द केसेस एंड दिस। अब देखो केस लॉ लिस्ट अलग से प्रिपेयर करने क्यों नहीं बोल रही हूँ, अगर आप चैप्टर वाइज केसेस करोगे ना तो ढूंढने के लिए आसान होगा, अगर उस 50 केस की लिस्ट में आप घूम जाओगे कहाँ पर कौन से केसेस है,
आप चाहो तो इस केस का भी कीवर्ड्स यहाँ बना सकते हो खुद के लिए, कीवर्ड्स फॉर एवरी केस। फॉर एग्जाम्पल कुछ केस है उसका कीवर्ड है सेक्शन में जो टाइमलाइन दी है 14 डेज, वो मैंडेटरी है, तो 14 डेज मैंडेटरी, वो मेरा एक कीवर्ड हो गया। टाइमलाइन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है कि हम उसका टाइमलाइन चेंज कर सकते हैं, टाइमलाइन मेरा कीवर्ड हो गया। एग्जाम में अगर कुछ केस आया सो आई कैन सर्च फॉर माई कीवर्ड्स ओनली। सो वी डिस्कस दैट हाउ यू हैव टू प्रिपेयर योर इंडेक्स, हाउ यू हैव टू यूज योर इंडेक्स इन द एग्जाम, हाउ यू हैव टू मेक केस लॉ इंक्लूड केस लॉज इन द इंडेक्स। एंड एक चीज याद रखना, आईबीसी का पेपर बहुत इजी आता है प्रोवाइडेड आपने कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़े हैं, इंडेक्सेशन सही है आपका, आंसर ढूंढना बहुत इजी है। अभी शायद आपको प्रैक्टिकली डिफिकल्ट लग रहा हो अभी समझने में, आप खुद इसे ट्राई करें, एक चैप्टर का इंडेक्स लो और क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढना कोशिश करो, आपको आंसर्स मिलेंगे, है ना। आईबीसी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सरप्राइज क्वेश्चंस मिलेंगे एक्सेप्ट वन पास्ट पेपर क्वेश्चन। अच्छा, हमें उसे कैसे डील करना है, देखो जब ऐसे वाले क्वेश्चंस आते हैं जो पास्ट ट्रेंड में आकर गए थे विच वॉज नॉट इन योर सिलेबस, तो क्वेश्चन को ना डिवाइड एंड रूल फॉर्मूला यूज करना, जैसे हमने आरसीडी में डिस्कस किया था, रीड फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, और क्वेश्चन रीड करते करते ना कौन से सेक्शन से रिलेट हो रहा है, क्या प्रोविजन से रिलेट हो रहा है, वो साइड में लिखते चलना। फिर क्वेश्चन इतना बड़ा होता है ना, नीचे आते आते हम भूल जाते हैं ऊपर क्या बोल रहे थे वो, तो साइड में पेंसिल से लिखते चलना क्या 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 हो रहा है। एट द एंड जब आप ऐसे बिट्स एंड पार्ट्स में अपने क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो रिलेट करते 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 चलेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि वो एग्जैक्टली क्या पूछ रहे हैं। आपका आंसर का पेपर प्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए, आपका प्रोविजन रहेगा, फैक्ट्स रहेगा, कंक्लूजन रहेगा, दिस इज समथिंग बेसिक। लेकिन अगर ये ओपन बुक एग्जाम है तो ऐसा और हम क्या करें कि हम मार्क्स मिल सकते हैं। सो आई विल शो यू अ आंसर बुकलेट, मार्क्स देखो, मार्क्स कितने हैं, सरप्राइज ना इतने मिलते हैं क्या। द आंसर इज यस। यहाँ से कुछ टेक अवे लेंगे हम, कोशिश करो समझने की किस तरह से प्रिपेयर किया गया है। ओके, ये एक ऑल इंडिया रैंकर का पेपर है फॉर योर इंफॉर्मेशन। आपने प्रॉपर स्पेसिंग रखना है, इन्होंने मार्जिन नहीं दिए पर आपने मार्जिन देना है सबसे पहला। दूसरा, प्रॉपर स्पेसिंग क्वेश्चन नंबर्स लिख रहे हो आप, हर जगह यहाँ पर स्पेस है, एंड आप जो भी टॉपिक लिख रहे हो आप उसको अंडरलाइन कर रहे हो, योर फैक्ट्स, फैक्ट एंड इशू, योर रीजन और योर डिसीजन एज द केस में भी। जरूरी नहीं है आप सेम लिखो, आप प्रोविजन लिख सकते हो, फैक्ट्स लिख सकते हो, कंक्लूजन, ये तीन टर्म्स भी आप लिख सकते हो। ओके, ये चीज समझ में आ रही है। ठीक, अच्छा आगे उन्होंने और क्या किया है, कंक्लूजन भी लिखा अलग से, समझ आ गया। एक और चीज, आपको पता चलेगा कि कुछ जैसे अब हम आंसर लिखते हैं एग्जाम में तो क्वेश्चन आता है कि अब एक कॉपी पेस्ट कर सकते हैं क्या हम, तो हमेशा याद रखना कॉपी पेस्ट नहीं करना है हमको। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जो वर्ड्स लिखे हैं ना हमारे मॉड्यूल में, तो थोड़ा सा चेंज कर दो, इज और द आगे पीछे कर दो, वर्ड के मीनिंग्स जो है उससे सिनोनिम जो रहेगा उसका वो लिख दो। अगर मॉड्यूल में 1 2 3 4 लिखा है तो अपनी प्रेजेंटेशन स्किल को थोड़ा चेंज कर दो, ए बी सी लिखो। एग्जामिनर को दिखते समझना चाहिए कि हाँ इसने खुद के थोड़े से एफर्ट्स लगाए हैं, ऐसा नहीं है यहाँ का यहाँ लिख दिया, है ना। तो थोड़ा सा वो खुद को करना पड़ेगा। अब फॉर एग्जाम्पल उन्होंने पैराग्राफ लिखा है, तो आप भी एग्जाम में पैराग्राफ लिख दोगे क्या, नो, आप पॉइंटर्स में लिखो, दिस इज योर प्रेजेंटेशन स्किल इन द एग्जाम। ठीक है, अब देखो ये एक प्रेजेंटेशन स्किल है। सेक्शन 12 है कि विड्रॉ हो सकता है क्या एप्लीकेशन, मॉड्यूल में ऐसा पॉइंटर 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 दिया है। इन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसे एक अपने आप से एक टेबल बना दिया कि एडमिशन होने के पहले एप्लीकेशन, एडमिशन होने के बाद, और यहाँ प्रोविजन लिख दे कि क्या क्या कर सकते हो, दिस इज योर प्रेजेंटेशन स्किल्स। तो चेंज द वे ऑफ राइटिंग द आंसर इन द एग्जाम, डोंट कॉपी पेस्ट। अच्छा, आप ऐसा सर्कल भी बना सकते हो, लिख सकते हो, और ऐसा नहीं बहुत टाइम नहीं लगता सर्कल बनाने के लिए, ऐसे एरोज दे के कुछ लिख सकते हो,
इट शुड बी प्रेजेंटेबल एंड यू कैन डू दिस इन दिस सब्जेक्ट. वन मोर थिंग, अगर आपसे समझ आ रहा है कि टाइम नहीं है, आप फ्लो चार्ट फॉर्मेट में भी आंसर्स लिख सकते हो, ऐसा गलत नहीं है, आपको मार्क्स मिलेंगे. एटलीस्ट राइटिंग नथिंग से बेटर है कि यू राइट समथिंग, जीरो से बेटर है ना, आपको 2 मार्क्स तो मिलेंगे. यू कैन डू दैट. ये देखो अपने मॉड्यूल में दिया है कि अवॉइडेंस ट्रांजेक्शन जो है वो 3 टाइप के हो सकते हैं. उन्होंने क्या दिया था, 1 दिया था, 2 और 3. इन्होंने क्या किया, उसको अपनी तरह से प्रेजेंट करके लिख दिया 3 पार्ट्स में. फिर आगे वो हर एक को एक्सप्लेन कर रहे हैं. एंड ये वाला पार्ट हम मॉड्यूल से क्रॉस चेक करिए, इन्होंने वर्ड्स को थोड़ा सा आगे कट, बीच में वर्ड्स कट किए मॉड्यूल के, और अपने यहाँ पर आंसर फ्रेम किया है. एंड लाइकवाइज हर एक के अंदर सेक्शन जहां समझ आए वहां लिखे, अंडरलाइन नहीं हुआ है, बट इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको अंडरलाइन करना है, आपको नहीं किए बिना नहीं चलेगा, है ना. अच्छा, टाइम नहीं है बात अलग है, और जब आंसर लिख रहे हो ना, तो वही सेम कलर पेन से अंडरलाइन करते चलना, लास्ट के लिए रखोगे नहीं होगा. ओके, अब एक चीज है कि एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसका आंसर तो मॉड्यूल में है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि कैसे लिखे हम आंसर. तो उस वक्त क्या करना है आपको ना, आंसर अपने आप के लिए फ्रेम करना है. आप कहाँ कहाँ से फ्रेम कर सकते हो, जो डेफिनेशन दिए है ना सेक्शंस के, आप वो यूज कर सकते हो अपने आंसर को एनहांस करने के लिए. जैसे इन्होंने किया, ये क्वेश्चन था, इसका आंसर इन्होंने नहीं आया होगा, बट दे वर आस्किंग समथिंग अबाउट कि ये जो फाइनेंशियल क्रेडिटर ने डेट ओ करता है इनको, इनके बीच सॉरी ऑपरेशन क्रेडिटर डिस्प्यूट, इनके पहले ऑलरेडी डिस्प्यूट है, डेट तो है लेकिन डिस्प्यूट भी है, तो क्या एप्लीकेशन एडमिट होगा क्या, ऐसा जो भी क्वेश्चन रहेगा. उसका डिफिकल्ट क्वेश्चन था, इन्हें आंसर नहीं आया तो क्या लिखा उन्होंने, ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि एटलीस्ट डिस्प्यूट का मीनिंग क्या होता है, डेट का मीनिंग क्या होता है. एंड देन दे रोट देयर ओन कंक्लूजन, सो दे वर ट्राइंग टू प्रूव वॉट एवर इज आस्क्ड इन दैट क्वेश्चन. सो आप ये स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो कि जब भी आपको नहीं आ रहा है तो आपको ऐसे पॉइंटर्स लिखने हैं जो आपके आंसर, वो प्रूफ प्रूविंग पॉइंट ऑफ व्यू लिखना है आपको. ओके okay? एंड यस, डेफिनेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आईबीसी के अंदर. आपको कोट जब आंसर ले तो कोट करने के लिए भी हेल्प होता है वहां. एंड लाइकवाइज यू कैन राइट योर आंसर. अच्छा, इसमें ना एक चैप्टर अपना प्रोफेशनल एथिक्स वाला, वन ऑफ द मोस्ट इग्नोर्ड चैप्टर बाय स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो छोड़कर मत जाना, डेट सर्फेस से छोड़ के मत जाना, आंसर आता है वहां से. एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म बिल्कुल भी मत लिखना. हाँ, आप इनिशियल इनिशियल आंसर्स के अंदर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस ऐसा पूरा वर्ड लिखो, बीच बीच में एक दो जगह कैपिटल में CIRP लिखोगे आप, और उसे इनवर्टेड कॉमा में डाल के अंडरलाइन करोगे, लेकिन सिर्फ CIRP लिखने से काम नहीं होगा. CIRP अंडर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 ऐसा पूरा लिखना. फ्रेम योर आंसर, एग्जामिनर को पढ़ के समझना चाहिए कि एफर्ट्स डाले हैं, शॉर्टकट्स नहीं यूज किए. बाकी एग्जाम में कहीं भी कोई भी प्रोग्राम शॉर्टकट यूज नहीं कर सकते हो. एंड सी, यहाँ पर इनके पास टाइम नहीं था, दिख रहा है हैंड राइटिंग से, है ना, बट व्हाट डिड दे डू, उन्होंने ऐसे थोड़ा सा एरोज बना लिया, फटफट लाइन नहीं दी, दिस इज नॉट एडवाइजेबल, टेबल वगैरह प्रॉपर बनाना है. ओके, बट उन्होंने कुछ नहीं, कुछ तो लिखा फटफट फटफट, तो छोड़कर कुछ नहीं आना है, लिखकर जरूर आना है एग्जाम में. आईबीसी ओपन बुक में कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, सिर्फ ऐसा है ना, आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एप्लीकेबिलिटी पता होनी चाहिए, इंडेक्स सही होना चाहिए, और केस लॉज और एंटायर सब्जेक्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन नॉट लीव एनी केस, रिवाइज एट मल्टीपल टाइम्स, और हार्डली 20 to 30 केस लॉज है, इतना तो हम कर सकते हैं, है ना. दिस वॉज समथिंग फ्रॉम माई साइड फॉर योर ओपन बुक एग्जामिनेशन. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग.
Thank you.